जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो गौ माता की जय। दो चार जो है ना प्रश्न करना चाहूँ हुआ हम बिल्कुल नया आया हूँ राग। एक तो गौशाला बनाना चाहो हो या फिर जो है ना गौ चिकित्सालय बनाना चाहो। गौ चिकित्सालय जो गाय बीमार होंगी उन्हें लेकर उनको इलाज कर। तो देखो दो चार बात हम गुरु महाराज जी ने सुनी है वह बात तार तक शेयर करांगा। और जैसे जो है ना तने भी अच्छा लागर हमने भी अच्छा लागर दो चार जगह गौशाला को जो ना यहाँ उद्घाटन पर मैं गया हूँ और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा शर्म महसूस हुई है। आज जो उत्साह है नहीं वो लास्ट तक नहीं बने रहेगो तो दिक्कत होगी। या तो जो है ना आज शुरुआत है सारा जय बोल कर कोई प्रसाद खा के घर चला जाओ और नहीं तो जो है ना गौ चिकित्सा के लिए अगर कदम उठाओ हो तो ठोस होके उठाओ। एक बात। दूसरी बात जो है ना आगे होनिया आदमी कोई कोई हुए हैं। आज आप यूं चाहो ना अग जंजा गांव में इतना ही गांव इतना ही आदमी है या तो भूल है बहुत गणा आदमी है। और आज एक जो है ना कोई ठीक ढंग को बुजुर्ग चलो जा और उनके बाद मुंह के मुंह काने को नुत दे दो ना तो मुंह करने भी गणा पाऊंगा। बहुत शर्म की बात है गाय के लिए इतना बड़ो काम कर रहा हूं और फिर ये दाई आदमी बैठ जाऊं आगे। चलो कोई बात को नहीं एक आदमी भी मजबूत रहेगा तो गुरु महाराज जी के नाम यह सुनी है कि एक आदमी भी मजबूत रहेगा तो सब आदमी अपना आप आ जाऊंगा बुलाना कौन पड़े करके दिखाओगे ना कुछ तो बहुत कुछ कर सको। या अपनी जो है ना बुद्धि बल और पैसा कहीं बैर में मत निकालियो। यान जमीन कौन छोड़ी यान जो है यो न्यू कर दियो एने न्यू कर दांगा कि थाना में रिपोर्ट दे दो कि जो फलानी जगह कर दो ऐ साइड में लाग जाओगा तो गाय की सेवा कौन कर पाओगा। दूसरी बात जो है ना आगे होनिया आदमी ने सब गलत बताऊंगा यो इतना पैसा खा गयो घर बना लियो यो कर लियो गाली भी काटेगा उल्टा सीधा भी बोलेगा। ऐसी हिम्मत हो तो आगे कदम बढ़ाइयो। सार्वजनिक काम में जो है ना भलाई देनी या कई वर्ष बीत जाऊंगा के बाद घनी दूर की जरूरत को नहीं अपने पड़ोस में ही खांडवो गांव है। और महाराज जी ने जो है ना अब गया बाद में जितना पूजा है इतना आगे को नहीं करया। और भाई यू चाहता जो ना हमने वो टाइम को प्रयोग करवाता यो करवाता जो है महाराज जी का यहाँ धोख मारता है तरीका से जो है पूजा करता तो यो काम को नहीं बनता। भूखा भी रहा है वे अपमान भी सहयो है बिना कपड़ा भी रहा है और बिना जो है ना छत के भी रहा है सांपा के घोरा के बीच में रहा। आज आप सब लोग उजाड़ करने जितने जाके धोख मारा हा क्यों अगब एकदम ठोस दृढ़ता से जो है पूरा जीवन निभाएगा। तो कोई भी संस्था है ना वह चल रहा है दृढ़ता से ढोल ढमाका से कौन चल रहा है। ये तो है तारसे कड़ी बात। अब तारसे बहुत प्रेम से बात करांगा जैसे यह संस्था चल रहा है। देखो संस्था चला है तन मन और धन से। कोई भी काम में तन भी चाहिए है धन भी चाहिए है मन भी चाहिए है। तो ऐ के लिए हम गुरु महाराज जी के रहे हैं तो हमने जो है खांडवा स्कूल में एक हुल बने उन टाइम को पर महाराज जी तीन मांग करी बोले भाई जो है ना कोई भी काम करो को मैं तीन चीज चाहू है तन मन धन। तो बुजुर्ग है वह तो सारा मन दे दो और जो नवयुवक है वह तन दे दो और तीसरी चीज की तन चिंता करने की जरूरत को नहीं जो आप बहुत ज्यादा महत्व दे रखे हुए धन ने उन्हें यह बताई आकर ऐ चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तन और मन दोनों चीज आ गई ना तो धन अपना आप खंचवाओ। सबसे पहले तो तन है फिर मन है पथ से लास्ट में जाके धन है। आज आप धन के बात कर लांगा ने तो फिर पास बाद में जो ना यह संस्था चाल कुछ पाओगे। संस्था ने चलाने खातर सबसे पहले तो जो है तन चाहिए और मन चाहिए। तन मन दोनों चीज अगर चालू हो गई ना तो उनके बाद कितनी भी बड़ी संस्था आप चला सको। उनके लिए आपन जो है ना
घनी दूर अपन जान की जरूरत को नहीं। खांडवा का सारा पड़ोसी अपन, और खांडवा ने कह भावा से महाराज जी से पहले जानता तो आप तो पड़ोसी से अपन ज्यादा पतो है। और आज महाराज जी का संग के कारण से देखो कितनों ज्यादा बदल गो, कठा कठा का लोग आके धोख मारे। और अभी तो क्या हुए है, अभी तो महाराज जी ने 30 वर्ष भी को नहीं गया, थोड़ा दिन बाद में देखियो आप बहुत ज्यादा जो है भीड़ हो जाओगे, एक तीर्थ को रूप हो जाओगे। पर वो तीर्थ को रूप बने कहीं वो महाराज जी शुरू वाले दिन जो जो तपस्या करी जो उन जो भी परिस्थितियां को सामना करो ने वह याद करोगा जो तन पता चलो कहीं तीर्थ बने। तो ऐले जो है ना आप बहुत दृढ़ता से 5 आदमी रह जाओ 10 आदमी रह जाओ 20 सबको सहयोग अपना आप आ जाओगे। पर वह 5 भी 2 कदे जो ने आज गाय बीमार है उठा से लेके आऊंगा, मैं तो यार फलानी जगह जाके आनू तो मैं तो आज उठे जाऊंगा, आज मन तो जो नहीं वो काम रहे गो, तो फिर पस बात कौन बनेगी। सारा काम छोड़ के जैया एक छोटो बच्चो बीमार हो जाओ सब प्रोग्राम छूट जाऊ उन्हें लेके अपन जो नारनौल भी जाऊं जयपुर भी जाऊं और सब जगह चला जाऊं दुनिया भर का पैसा लगा दे क्यों उन्हें यह मना है कि मेरो है। अगर गो चिकित्सालय अपन मान लोगा ने तो तेने गण जोर करने की जरूरत कौन पड़ेगी। आपने जो है ना एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी ने यह पूछी गई अगर आप बोलो ना, ना, ना। सारा देश ने इतनो काम कहीं कर लो 18-18 घंटा को ड्यूटी करो बाप ऐसा क्यों करते हो। जोर कौन पड़े तन नींद को नहीं आओ तन आलस को नहीं आओ तन भोजन की याद को नहीं आओ तन और काम की याद को नहीं आओ। बोले बिल्कुल सब बातों की याद आवे है। पर बोले मैं बहुत बचपन में एक बार पहाड़ा में चले गए और उठे पहाड़ी के मैं के वह है कि ऊपर बसनिया आदमी पानी ले जाऊं वो नीचा से ले जाऊं तो वह जो है ना पानी लेने कोई वो आया और आया तो साबो ने नीचे उनके साथ एक बच्ची और एक छोटो लड़कों के साथ साथ नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो साहब जो ने वह आया और आना के बाद में मुझे पानी भर क्योंकि माँ वापिस चाली तुम धमकाई गुड़िया ने आज जो ने आप क्यों लेके आए हैं बच्चा ने कहीं आज मैं पानी ले जाऊं कहीं बच्चा ले जाऊं कहीं ले चलू गुड़िया बोली भाई तो मैं ले आऊंगी आप चलो। बहुत मुश्किल से बिना वजन ही पहाड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाए और वजन सिर पर हो तो और भी कठिन हो जाए। तो साहब धीरे 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 करके और वह ऊपर जाने लगे बोलो ठीक है मैं दोबारा हूँ तो धीरे धीरे जितनी दूर रास्ते इतना आ जा। जब वह बच्ची थोड़ी देर तुम चलायो और फिर वो बच्चो जो है थक गो बैठ गए तो वहां बोली आज भाई तू जो है ना मेरी पदेड़ियां बैठ ले मेरी पीठ पर बैठ मैं लेके चलूंगा तो उन बुढ़ा के बैठा लियो। तो वो सभी कौन चले था बहुत धीरे धीरे चढ़े। जब 4-5 साधु बैठा था बने बोलिया ये गुड़िया तू इतना वजन में इतनी छोटी उम्र में कहीं ले जाओगी मेरे ना ये वजन को नहीं हो मेरा भाई है वजन को नहीं हो मेरा भाई है वो मेरो भाई मानना कारण से इतना वजन पाट लेगी वह और उन्हें बोझ मान लेती ने तो कौन चाल तो इन्हें तो हमें बोझ मान लो भाई जो नहीं हो कठे वो कर लियो झंझट कर लियो तो देखो को चल रहे हाँ नहीं बहुत आराम से चल लगी बहुत आराम से आज जिसो मन है ने इसो मन आप रख लो फिर बहुत आराम से। रही बात पैसा की पैसा कठा सामूंगा यह चिंता आदमी बहुत मुश्किल पहली से करने लग जाए। आज एक अपना बच्चा छोटा की जो है उनकी शादी करा और फिर पास बाद में बारह में सोच रहा जाऊँ आज ही तड़के जोने के लिए यारों मकान बनाने पड़ेगा तड़के टापुर हो जाएगा तो उनको यो काम करना पड़ेगा कौन सी स्कूल में पढ़ाऊंगा वो कराऊंगा तो बच्चा की शादी करी कौन सकोगा ना क्यों वो पहली सारा खर्चा नोट कर लेगा। काम अच्छो काम करने खातिर पहली खर्चा नोट करने की जरूरत को नहीं चलन लग जाओ अपना आप आ जाऊंगा। और गाया का बाग से अपन लोग ही खा रहे हैं पृथ्वी पर जो है ना एक पंचांग लिखनिया ज्योतिष लिखनिया लास्ट में लिखे हैं आ गो प्रजा को भाग ये तो युवाओं का साल कोई फल है पर एक अलावा गाय को और प्रजा को भाग है केस के बदल देगा सेकंड नाम बदले भाव ने यूं मत मानियो भाग्य कोई छोटी चीज है बहुत बड़ी चीज है। और गाय के कारण से जो ने हम बचपन में बहुत बुजुर्गों ने सुना करता अगर भाई जो ने साधु ब्राह्मण गाय के लिए तो मेरे पर सही है
अच्छो जीवन जीनिया चाहे कोई कोई नहीं हो, परोपकार का भाव अगर तारा सारा का हुआ ने और गाय के प्रति अच्छा विचार हुआ तो बहुत अच्छो चलेगा। और के लिए आप सब प्रयास करियो, या मत मानियो भाई मैं तो गयो कर, मैं तो मूर्ख में कौन था, मैं सत्संग में गयो को नहीं, मैं तो भाई को सलाम को नहीं गयो, तो या कोई बड़ी बहुत मानता की बात कौन, तो को नहीं गयो यार। के लिए जो है ना सबसे पहले तो भगवान आपा ने इतना दे रखे होगा, आपा लोग ही कितना बड़ो काम कर सका, दूसरा की बात देखने की जरूरत ही कौन। या विचार कर लो आपा तो जो है ना मारा पिताजी ने गुरु महाराज जी दो बात बताई, वह आज भी मेरे दिमाग में यूं की हूँ, गुरु जी अगर सुन ली मैं पिताजी का मुंह से तो कौन सुन पाए, पर महाराज जी के मुंह से सुन आप बोले भाई हम जब बाबा जी बने तो फिर पिताजी मिलने ना आए मार, तो फिर गुरु जी फिर ने बोले वो आगे बैठा बैठा तो बोले भाई मैं दो बात बताई थी, बहुत स्नेह थो प्यार थो तो मैं बैठ के उनसे बात करी, और बात करके मैं बोले भाई जो है ना यूं बताओ आप वो कर रहे हो पूरा महात्मा बन गया वो आ गया मार लायक कोई सेवा बताओ, बोले भाई तुम जो ना अच्छी तरह जाकर बहुत आराम से हूँ मन बोले जाड़ के पेड़ के नीचे बोले मन में आनंद होना चाहिए, जाड़ पेड़ की तो कोई बात ही कौन, मैं बहुत खुश हूँ आया करके बात करी, और फिर लास्ट में जाने जान लग गया विद्या करने लग गया तो उन्होंने बैठाया, तो पिताजी बड़ा था महाराज जी छोटा था उम्र में, बहुत स्नेह दिए बहुत प्यार करे, फिर भाभी पीठ पर हाथ फेर के बोले भाई मेरी एक बात मानिए, बोले तू पैसा आदमी आगे नौकरी करे अपने देसी भाषा में जो है बाणिया कर नौकरी करे दो चार मिनट पांच मिनट बाद फिर करी और फिर बोले बहुत स्नेह से विदा करने लगा, भाई एक बात और मानिए, बोले हाँ, बोले टावरा ने 11 मन्ना की कमाई खिलाई है, बच्चा ने जो है 11 मन्ना की कमाई खिलाई है, एक मन्ना की कमाई को अच्छा काम में लगा दिए, तो भाई बोले अनको भाई जो है दिमाग ठीक रहेगा, अनको रहन सहन खान पान ठीक रहेगा, अनको जीवन में जो है उन्नति का विकास रहेगा, और चाहे जो है आज का गृहस्थ मत ऐसी चाहे 13 मन्ना को खुआ दे कोई भी ना को नहीं है, और बहुत लोग कर रहे हैं आज जो है ऐ काम कले तो सब लोग पीछे हटे, 100 रुपया चढ़ा दिया था मैं तो दे दिया था 100 रुपया से बोतल तले को, ये अपने नियत होने चाहिए, भगवान का घर में सब न जी देना पड़ेगा लास्ट में, सही मूल रूप से तो महाराज जी बता दी तुम्हें कोई कमी को नहीं, 12 महीना से एक महीना ही कमाई लगानी चाहिए, अरे एक की ना लगा उसको तो 15 दिन की लगाओ 21 दिन की लगा लो, और कम से कम मर्या से मर्या 11 दिन की कमाई तो 12 महीना में से लगानी चाहिए, फिर पास जो है कहीं कहीं चंदोकरण की जो है वो करण की अपन आवश्यकता कम पड़ेगी, क्यों आप इतना लोग अपन इतना दे रखे परमात्मा, और कोई यू सोच रहे मैं कमाए हर मैं यो काम से रहे मैं तो भरोसा मैंने कितना चला गया है, रावण देखो कितना 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 घर भी टॉयलेट बाथरूम सब कुछ सोना को बना दिया, और लास्ट में सारा अंजाम पड़े, कितना ही बढ़िया मकान बना लो कितनी जमीन खरीद लो कितना ही जो दुकान बना लो कितना ही और कोई प्लाट खरीद लो, लास्ट में स्थिति यह होगी जब वृद्ध अवस्था जाओ ने जन कले कर रहे हैं वह बच्चा ऐसा व्यवहार करे हैं अगर आप बोल भी कौन सका समाज में, जन कले आप सोवा को नहीं जन कले रोटी को नहीं खावा जन कले जो आप आराम को नहीं करा वह बच्चा वह परिवार का जो है निजी सदस्य जन कले आप लाग रहे हैं वह ऐसा व्यवहार कर दिए अब समाज में आपको बोलोगे बोलोगे और अंदर से आंतरिक दुख हो हमको तो कोई कठे वर्णन नहीं को नहीं, पर समाज में भी अपन बोल को नहीं सका, अर्जन के लिए तो रात में भी कौन सोवा दिन में भी कौन सोवा रात में रोटी भी कौन खावा कपड़ा भी कौन पहनवा अच्छा अर्जुन को रिश्तेदारी में भी कौन जावा कठे 5 रुपया दें भी कौन, आप भाई थोड़ा तरीके में पड़ जाए थोड़ा आपका भाग में लेके आए हैं, आप मजदूरी मत करो ड्रामा मत बनो, आज पता बैठे बैठते हैं मेरे दिमाग में क्यों आज बहुत लोग जो है खेता में जो है वो कपड़ा पर आके वो सिर पर वो लगा के वो बैठा दी खड़े खड़े ताऊ ताऊ मत बनो खाओ भी खान भी दो, आज एक आदमी जो है 100 गाय की सेवा कर सके एक आदमी घना की जरूरत कौन, और तभी इतना मिलके तो 4000 की कर दो अपना दूर थोड़ी है खान दो,
हमने गुरु महाराज जी फिर बताई आप भाई महाराज ने राम स्वरूप जी बड़ा गुरु भाई है जो सतनाली गोशाला है उनकी और 65-66 में कोई जनों को एडवेशन चल रहे थे उठे दिल्ली में और हम दिल्ली में के हुए उठे प्रतिज्ञा कर आके हम जो है कोई गोली गाड़ी चाल के हुए वो वास्तविकता उनको तो पर मेरी सुन में आए हुए उठे साथ वहाँ साथ अच्छे व्यवहार को नहीं हुए और बस सिर्फ है बात के लिए इकट्ठा हुआ था सारा भाई गाय की हत्या बंद हो जाए पर वो को नहीं बन पाए तो उठे जो है वो तीन आदमी खड़े हो गए लाल किला पर उन्होंने यह कही अगर भाई साधु मरना से कोई फायदे को नहीं हर साधु एक एक गाय भी रखे तो उन्हें तो बहुत गाय की सेवा हो गया चलो और अपना क्षेत्र में बहुत लोग ऐसा है जो आप प्रेरणा करेंगे तो वो गाय की सेवा करेंगे और वो साहब जो उठा से करके आ गया और सतनारायण गोशाला की नीम रख दी फिर गुरु महाराज जी के नया हुए पूरा आके जो उन्होंने यह कही बोले भाई ब्रह्मचारी तेरे यहाँ इलाका में बहुत मान्यता है एक एक पूरी एक एक आदमी गली इकट्ठी करवा के दे पूरी मतलब जो आप कड़बी की पूरी गुरु महाराज जी बैठा पानी पिलाए उठाया दो कुमारी बोले भाई देख बड़ो गुरु भाई है वो गुरु बराबर ही है पर बोले तो नहीं या तेरी लाठी लेके गाय चरा लियाऊंगो तसलो लेके गोबर गेर दूंगो पर यह पूड़ी वाली इकट्ठे वाली मेरे से को नहीं कही जा बोले क्यों के बात गाय के प्रति तेरी आस्था को नहीं बोले आस्था बहुत है पर बोले जो ना मैं जट जट बाबा जी अपने दिया सोया कह दी थी भाई मैं मांगूंगा नहीं तो भाई इसी पूड़ी मांगी इसे 1000 रुपया मांगिया मांग की छोटी चीज से तो बड़ी हुआ है तो बोले मैं मांगूंगा तो तो बोले तेरे गाय थोड़ा सा मतलब गुस्सा में आके बोले ने बोले भगवान चाहे ने तो गाय की सेवा खूब करांगा पर करांगा ऐ तरीका से बिना मांगे हुए या मत मानी हमारा प्रति गाय के प्रति आस्था को नहीं पर कभी भगवान संयोग बैठाऊंगा आज देखो कितने जगह उनका नाम से गाय की सेवा हो रही आज उरे एक यो भी कर रहे हैं तो उनका नाम से हो रही है आप सब इकट्ठा हो रहे हैं ना उनकी प्रेरणा तो कठे से कठे काम कर रही है तो प्रेरणा ने बहुत अच्छी तरह से निभा दी आज जिसो चाव है ना इसो चाव लास्ट तक रख लो और जो है एक बिना पैसा की चीज बताओ था जैया आज आप कठे भी जाओ हाँ तो पैदल जाओ सुबह सुबह घूमने जाओ सड़क पर 5 किलोमीटर चला जाओ ऊँ की बजाय जो उरे घूम जाओ कोई गाय की कोई ऐसी व्यवस्था हो रही कोई वो हो रही तो सिर्फ बतानी है टावरा ने भाई ने न्यू कर लियो भाई ने आज न्यू करांगा ऐसे भी बहुत बड़ो जो है वो मिलेगा रेणियान तो सास मिलेगो अरे अपनी सद्भावना हो जाएगी इतनी देर आवांगा ने तो गौशाला में ऑक्सीजन जाओगे शरीर में तो शरीर स्वस्थ रहोगे आगे आगे ना अभी तो कोनी आई है बात आगे जब 50 वर्ष और बीत जाऊंगा ना देखियो ना गाय ने ढूंढेगा कोई गाय हो तो 10 मिनट बैठ जाओ कोई पीपल हो तो 10 मिनट बैठ जाओ ऑक्सीजन को इतना हवा हो जाओगे इतनी गाड़ी घोड़ा जो है इतना जो है प्रदूषण हो जाओगे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा दिल्ली में तो अब भी बताऊं कहीं आपको ऑक्सीजन की बहुत लेवल कम हो जाए तो लोगों जो जी घबराने लग जाए और आप अपने गंदगी में पड़े जाओ पड़े आपने जी घबराने लग जाओ प्रदूषण है ना वो दिखे को नहीं पर वो बहुत ज्यादा असर करे बहुत लोगों ने हमने यह बताई है यूं थूका ना तो थूक में भी कालापन आवे कपड़ा सफेद पहन के चला गया ना तो सामने जो है एकदम काला हो जाए इतना प्रदूषण में रहेंगे लोग तो प्रदूषण ने मुक्त करने की अपना हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो है गाय है तालाबों के सारे आस पास जो है गाय बैठती उनको घूमते जाते उनको जो गोबर पड़ते और वो पानी बह के तालाब में जाते तो कई कई दिन तक उनमें कीड़ा कौन पड़ता ये सब बात आपने बुजुर्ग से जो है सुनी है मैं तो मारो इतना ज्यादा अनुभव को नहीं पर हम सुनी बहुत है और सुन के लास्ट तक हम यो निर्णय लियो है आगे संसार में सबसे उपयोगी मानव की कोई चीज है तो वो गाय माता है और फिर हम करके देखे तो हमें बहुत आनंद आयो इतनो आनंद आया वो वर्णन कौन कर सका था जो पैसा में अच्छा खान में एक अच्छा दिन और कोई चीज में जो अच्छा कपड़ा पहन में अच्छा मकान रमने में अच्छी गाड़ी में घूमने जो आनंद को नहीं आओ ने वो गाय रखने बैठना साहब और सब लोग मिलके करोगे ना इतनी साफ सफाई हो जाओगे इतनी साफ सफाई हो जाओगे इतनी जो आनंद देंगे वह गाय माता बहुत ज्यादा आनंद आओगे और फिर तीसरी और छोटी बात बताऊंगा अगर कर रहा को सहयोग ना करो तो बाद मड्डा जी हो यह भी तारी बहुत बड़ाई है नहीं तो अच्छा आदमी खड़े हो गए तो पाखंड करा के बोले चलो उठा लोग 20 आदमी और उठे आप तो कराएंगे दूसरा ने कौन करना गुरु महाराज जी ने हंसा के एक बात बताया कि भगवान रामचंद्र जी जब वन में चला गया है
तो जब भरत जीवन से मिलन गया और सारा समाज बैठो तो उनका गौणी जो उनका किरात भील जो जंगल में रहनिया था ना उनकी बड़ाई करी। बोले भाई ये बहुत सेवा करे हैं, जो उन्हें फल फूल लाके दी हैं, शहद लाके दी हैं, सेवा करे हैं, जंगली पशुओं से रक्षा करे हैं। जब एक बूढ़ो सो भील खड़े हो गया, हाथ जोड़ के खड़े हो, बोले महाराज जी हमारी बोले आप बहुत बड़ाई मानो, आप आपका बांस ये बर्तन और भांडा ठा के कौन ले जा रहे, हम तेरा कपड़ा चुरा रहे कौन, यही हमारी सेवा है। तो यह भी बहुत बड़ी सेवा है, आगे काम में बाधा मत डालियो, करा तो कोनी पर बाधा भी नहीं डालना। समाज में बुरी बात चल रही, कई रुपया आया रे कई जना बैठा था के ढंग करो, तो उन्होंने जाके एक दया बता तू तो गयो कोनी, फिर बाजी सा तो हो गयो हो गयो, पर वो उनका कान रही है वो बैठा ही रहा। जो दुष्ट वृत्ति का आदमी है ना वो यह मत सोचियो बस थला बैठा है, आप भी बोला आपको इनको प्लान बनानी यूं कर लेंगा तो मैं न्यू बात डाल देंगे, उठे उन कलेक्टर ने यह कह देंगा तेरे पास यार बिना बात की जगह रोक लियो, न्यू कर लियो, वो कर लियो, कोई हजार प्लान बनाऊंगा भाई, पर उन प्लाना के ऊपर आप लोग जो है दृढ़ता पर रहोगा तो उनके प्लान सब धरी की धरी वह भी सेव करने लग जाएगा। रोज आज आश्रम में इतना लोग धोख मरे हैं, शुरुआत दिन इतना मरा करता की आपने, मतलब दूर की बात को नहीं बहुत नजदीक की बात है, बहुत लोग अब भी जो है 50% ऐसा आदमी बैठा जिन्होंने महाराज यहां दर्शन करे हैं, उनके धोख मारी है, उनका विचार सुना है, तो बहुत खुशी की बात है। तो जो है सब अच्छो सहयोग करो और सब लोग ही जो है बिना कहे, अरे एक बात जो है दिमाग में जो बात आती है बताऊं था तो आप बात करने खातिर बैठे हैं, कोई भी कोई चंदो बोल जार कोई जो ना पैसा की कोई वो कर लेने तो गैल गैल मत ढाई हो, रुपया 500 की जगह चाहे 100 बोल दियो पर टाइम पर दीजिए ही हो, बात को विशेष ध्यान रखियो। क्यों नहीं ये बच्चा जो है बता गैल गैल हमने गा या फिर पास जो नहीं है सेवा काम करें, बहुत अच्छे सहयोग करिए और सहयोग में जो है आज आपने जो है एक 1000 रुपया सिर है और ईब कोई डॉक्टर ने कह देते हैं तो आंगली में दर्द सेने में कैंसर हो गो, तो अपन जो है सारा रिश्तेदार ने सब ने जो है जमीन ने सब क्या नहीं या तो कहीं भी शरीर बच गया और बाजार को दिया जाए, और बाजार को दिया जाए और अच्छा काम में जो है अच्छा काम में करोड़ों का देवी कर्जो डटे को नहीं है, हमेशा जो है ना अच्छा काम कर मैं उनको भावना जब फली फली बतोगी ना वो हम सुनी है समाज में, आगो जो है लड़की का ब्याह को कर्ज बना दे को रे, आज उधार लेके भी जो है को सड़क के कोई सेवा कर दोगे ना तो वो उधार गणा दिन तक कौन रहेगी, अरे यो देनी 1000 हाथ है फसल में यो दे दे जो है ना जमीन में यो दे दे गडोड़ो है कन पा जाओ जो है मांगता जो डूब रहे हैं वो यो दिवा दे। बहुत आदमी ऐसा बैठे हैं जिनके जो है रुपया बहुत है पर वो जो है दे दिया उधार पर ब्याज का लोग और वो नाटक को नहीं मार जाना जाने वो यार रुपया तू रोज नकद राजा है डांट मारे उल्टी होंगे और आपको मुंह के लिए उल्टा जाए। बोला समाज में ऐसा बैठे हैं, मैं कहेंगे नाम को लेना चाहूं पर ऐसा लोग बहुत गणा है अगर जो उधार दे दिया फिर भी मांगने जाए डरता डरता जाए अभी भी कौन देगा, तो बहुत अच्छी तरह से जो है सहयोग करियो भगवान पर खूब दया। हम भी भगवान से यह प्रार्थना करा आगे जो ना हंसी मजाक ना उड़े गोसरा जी चिकित्सा लेके हंसी मजाक उड़े ने तो समाज में दूसरा लोग भी फिर पीछे ठन लग जाए। अच्छी बढ़िया सेवा होती देखे ना बहुत लोग आके सेवा करेंगे रास्ता चलता, तो आप सब खूब बढ़िया से बढ़िया सहयोग करिए सब आएंगे ना तो प्रजा में सुख शांति होगी हमारा अनुभव ऐ लेता ना तेरा की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। ठीक है हाँ भाई ले जय बोल धोड़ा की बोलो बाबा धोड़ा की बोलो देसी गौ माता की बोलो देसी गौ माता की बोलो कन्हैया लाल की बोलो बाबा मोतीराम स्वामी जी महाराज की बोलो भारत माता की बोलो गौ माता की जय।